माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नई संसद भवन के पहले सत्र में ही देश के लोकतंत्र की पहली इबारत लिख दी गई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आधी आबादी को पूरा हक देने वाले अहम और बहुप्रतीक्षित बिल महिला आरक्षण बिल को पेश कर दिया है, जिस पर सदन में चर्चा भी शुरू हो गई है। इस विधेयक को करीब हर सियासी दल का समर्थन है, चाहे वो पक्ष के सियासी दल हो या विपक्ष के सियासी दल, हर कोई समर्थन में है। लेकिन विपक्ष समर्थन के साथ साथ बिल की टाइमिंग को लेकर सरकार पर हमलावर है, साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। एक ओर जहां सदन में इस पर बहस जारी है, तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी इस बिल में आरक्षण के अंदर आरक्षण के गणित को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो बिल को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अखिलेश ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। अखिलेश ने लिखा है कि नई संसद के पहले दिन ही भाजपा सरकार ने महाझूठ से अपनी पारी शुरू की है। अखिलेश ने सवाल उठाते हुए लिखा कि जब जनगणना और परिसीमन के बिना महिला आरक्षण बिल लागू हो ही नहीं सकता, जिसमें कई साल लग जाएंगे, तो भाजपा सरकार को इस आपाधापी में महिलाओं से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। भाजपा सरकार न जनगणना के पक्ष में है, न जातिगत गणना के, इसके बिना तो महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। अखिलेश ने महिला आरक्षण बिल को आधा अधूरा बताया और लिखा कि ये आधा अधूरा बिल महिला आरक्षण जैसे गंभीर विषय का उपहास है। इसका जवाब महिलाएं आगामी चुनावों में भाजपा के विरुद्ध वोट डाल कर देंगी। यानी अखिलेश यादव ने साफ कर दिया, इस बिल से 2024 में होने वाले चुनावों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वक्त इस बिल को पेश कर सरकार क्या जताना चाहती है। वहीं सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने भी महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार पर हमला बोला। सोशल साइट एक्स पर मुलायम सिंह का पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं के स्पष्ट समायोजन के बिना लैंगिक आरक्षण अर्थविहीन है। शिवपाल यादव ने 11 मार्च 2010 में मुलायम सिंह का वीडियो शेयर करते हुए दलित, पिछड़ों, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं को साथ लेकर चलने की अहमियत बताई। एक बार आप भी सुनिए मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा था। जो आज हमारा साफ साफ है, इस समाज को सबको जोड़ के चलेंगे, लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारे देश की शक्ति बढ़ेगी, सद्भावना बढ़ेगी। आज ऐसे आगे निकल गए, उन्हीं को और आगे निकाल रहे, और पीछे रह गए तो पीछे धक्का मारा के पीछे हो जाइए। इसलिए हमने कहा है, ऐसे नहीं कहा है, इनका दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, इनकी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, हम स्वीकार करते हैं। यानी ये तो साफ है कि महिला आरक्षण बिल को पेश कर मोदी सरकार जिसे अपना मास्टर स्ट्रोक मान रही है, उसे लेकर समाजवादी पार्टी अपने अहम एजेंडे जातीय जनगणना और पिछड़ा, दलित और आदिवासी यानी कि पीडीए वाला दाव को साधने में जुट गई है। महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। हर पार्टी अपने वोट बैंक को साधने के लिए महिला आरक्षण के अंदर अपने वोट बैंक के लिए खास आरक्षण की मांग में जुटा है। बहरहाल अगर लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होकर आगे बढ़ता है, तो इससे पंचायत से लेकर विधानसभाओं, विधान परिषदों और देश की संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इस बिल को कानूनी दर्जा मिलने से देश की सियासत से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।